अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी जैद और आज हम बात करेंगे सैमसंग के अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में जो फेब 2020 में लॉन्च होगा और जो ऑलमोस्ट S11 कहलाएगा और इसकी कुछ इमेजेस प्लस इसकी स्पेसिफिकेशन लीक हुई हैं और आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। चलिए आए देखते हैं कि इस बार सैमसंग हमें क्या न्यू इंट्रोड्यूस करवा रहा है। अगर लुक की बात करें तो लुक तो काफ़ी इस फ़ोन की प्रीमियम शो हो रही है। तो इसके अगर देखें तो हम इसकी बॉटम साइड पे देखें तो हमें एक माइक्रोफोन मिल रहा है, माइक्रोफोन के साथ हमें एक सी टाइप पोर्ट मिल रही है और उसके साथ हमें स्पीकर मिल रहा है। और अगर हम इसके अप साइड ऊपर से देखें इसको तो इसके हमें एक एक्स्ट्रा माइक्रोफोन मिल रहा है। उसके बाद राइट साइड लेफ्ट साइड देखें तो लेफ्ट साइड इसकी प्लेन है, राइट साइड पर देखें तो राइट साइड पर हमें एक बटन पावर बटन मिल रहा है, उसके साथ हमें वॉल्यूम बटन मिल रहा है। और इसके बाद इसकी डिस्प्ले पे देखें तो हमें एक कैमरा मिल रहा है सेंटर में, पंच होल कैमरा मिल रहा है जो S10 के राइट साइड पे था, लेकिन इस बार इन्होंने मूव करके इसको सेंटर में ले आए हैं। अगर स्क्रीन की बात की जाए तो इस बार फिर हमें बोथ साइड से कर्व एज स्क्रीन मिल रही है, बैक साइड पे हमें बैक कर्व मिल रही है, फ्रंट साइड से हमें स्क्रीन कर्व मिल रही है। और इसके बाद अगर हम इसको बैक साइड से देखें तो आपको काफ़ी ये सिमिलर लगेगा आईफोन 11 प्रो से। तो क्योंकि इन्होंने भी अगेन वही काम किया है कि एप्पल को कॉपी करते हुए कैमरा स्क्वेयर शेप में कैमरा ऐड कर दिए हैं। और इसके बाद बताया जा रहा है 3 to 5 कैमराज प्लस 2 सेंसर्स ऐड किए इन्होंने। और अगर आप देखें बैक साइड पे और सेंटर में एक सैमसंग का लोगो है और इसका जो साइड क्रोम है वो भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी में शो हो रहा है। तो फ्रंट साइड पे पंच होल कैमरा के ऊपर देखा जाए तो हमें इस बार काफ़ी वाइड माइक्रोफोन दिया गया है। और बताया जा रहा है कि इस बार 3 फोन इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे, S11, S11e एंड S11 प्लस। तो अगर इसकी कैमरा क्वालिटी के बारे में बात करें तो हमें S11 और S11e में हमें 3 कैमराज प्लस 2 स्मॉल सेंसर्स मिलेंगे। और अगर प्लस वेरिएंट की बात करें तो हमें उसमें 5 कैमराज प्लस 2 स्मॉल सेंसर्स मिलेंगे। और इसकी कैमरा क्वालिटी की बात करें तो हमें 108 मेगापिक्सल स्नैपर विद 5x ऑप्टिकल जूम के साथ ये प्रोवाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। अगर इसकी स्टोरेज की बात की जाए तो इंटरनल स्टोरेज हमें 256 GB से 1 TB तक की प्रोवाइड की जाएगी। और अगर इसकी रैम की बात करें तो हमें 8 GB से 12 GB की रैम मिलेगी। इस स्मार्टफोन से हमें ये बेनिफिट होगा कि आपको 12 GB रैम स्टैंडर्ड मिल जाएगी और हमारा नॉर्मल स्टैंडर्ड बन जाएगा। लाइक इसके कंपेटिटर्स जो हैं वो 12 GB स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस करवाएंगे, 12 GB रैम जो कि जिसकी 12 GB रैम होगी वो स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर देंगे। इससे बेनिफिट हमें ये होगा कि हमें 12 GB एक स्टैंडर्ड मिल जाएगा रैम में। चार्जिंग की बात करें तो आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगी, उसके साथ आपको 25W का चार्जर प्रोवाइड किया जाएगा इस सेल फोन के साथ। और उसके बाद अगर इसकी चिपसेट की बात करें तो आपको दो तरह के चिपसेट मिलेंगे, एक स्नैपड्रैगन 965 और एक एक्जीनोज 9830, और इसमें आपको एंड्रॉयड 10 सपोर्टेड मिलेगा। सिम की बात की जाए तो आपको कन्वेंशनल सिम प्लस ई सिम प्रोवाइड की जाएगी, उसके साथ आपको प्लस वेरियंट में 5G सपोर्टेड मिलेगी। इसके अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो आपको इस बार सुपर MLD 120Hz की डिस्प्ले मिलेगी। इस इमेजेस को इंटरनेट पे आने के बाद एक आइस यूनिवर्स की ट्वीट आई है जिसमें लिखा हुआ है कि ये जो S11 की पिक्चर्स आई हैं ये टोटली रॉन्ग है, हम इससे भी अच्छी डिवाइस बना रहे हैं कि और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि ये टोटली रॉन्ग हो, लेकिन मेरे ख्याल से यही डिवाइस हमें मिलने वाली है फेब्रवरी में। और आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये डिवाइस कैसी लगी है। अगर यही डिवाइस आ रही है तो पर्सनली मुझे तो इतनी ह्यूज डिफरेंस नहीं लगा है S11 और S10 में। और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करेंगे ताकि आपको आने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिल सके सबसे पहले। और उसके बाद अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।